नमस्कार जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पदार्थ की अवस्थाएं से संबंधित है प्रस्तुत किया जा रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जीके जीएस मंथन ही है, जिस पर वीडियो का पीडीएफ मौजूद रहता है। प्रश्न संख्या एक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है ये मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी से, बी ईरान में पाई जाने वाली काली मिट्टी से, सी इराक में पाई जाने वाली काली मिट्टी से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और केमिस्ट्री एक्चुअल में लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या दो है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता है ए प्रिस्टले, बी सीले, सी लेवासिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी लेवासिए को रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या तीन है, द्रव की पांचवी अवस्था है ए प्लाज्मा, बी बीईसी, सी एसईसी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बीईसी को द्रव की पांचवी अवस्था कहा जाता है। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था को प्लाज्मा और पांचवी अवस्था को बीईसी कहते हैं। प्रश्न संख्या चार है, अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। इसलिए पानी से बर्फ बनाने में पानी में अशुद्धियाँ विशेषकर नमक मिला दिया जाता है। प्रश्न संख्या पाँच है, ऊर्ध्वपाती ठोस के उदाहरण है ए अमोनियम क्लोराइड, बी आयोडीन, सी ठोस CO2, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी जो है ऊर्ध्वपातित ठोस के उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ठोस CO2 यानी। प्रश्न संख्या छः है, शुष्क बर्फ है ए कपूर, बी ठोस CO2, सी ठोस जल, डी ठोस आयोडीन। इसका सही उत्तर है बी, ठोस CO2 को जो है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है। प्रश्न संख्या सात है, LPG सिलेंडर में संग्रहित गैस किस अवस्था में रहती है ए द्रव, बी ठोस, सी गैस, डी प्लाज्मा। इसका सही उत्तर है ए, LPG सिलेंडर जो घरेलू गैस का सिलेंडर है वो द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि LPG का फुल फॉर्म ही लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। प्रश्न संख्या आठ है, बिना क्वथनांक पर पहुँचे द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है ए वाष्पन, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन, डी संगलन। इसका सही उत्तर है ए, जो है वाष्पन कहलाता है, वेपोराइजेशन। बिना क्वथनांक पर पहुँचे यानी कि सी लेवल पर जल का अगर 100 डिग्री सी क्वथनांक बिंदु है बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 डिग्री के पहले जब द्रव वाष्प में यानी भाप में बदलता है उस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और वाष्पीकरण के लिए जल का क्वथनांक बिंदु पर पहुंचना जरूरी नहीं है। प्रश्न संख्या नौ है, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है ए वाष्पन, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन, डी संगलन। इसका सही उत्तर है बी, ऊर्ध्वपातन की जो क्रियाएं हैं वो सीधे जो है गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि हम लोग कपूर को अगर जलाएंगे तो वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस से फिर उसको ठंडा करेंगे तो सीधे ठोस रूप में कपूर में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था ए लेवासिए ने, बी प्रिस्टले ने, सी रॉबर्ट वायल ने, डी चार्ल्स ने। इसका सही उत्तर है सी, रॉबर्ट वायल ने सबसे पहले तत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। 11 नंबर है, अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है ए 92, बी 110, सी 114 से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, 114 से अधिक अभी तक तत्व की खोज हो चुकी है।
प्रश्न संख्या 12 है, प्राकृतिक तत्वों की संख्या है ए 92, बी 110, सी 114, डी 120। तो इसका सही उत्तर है ए, प्राकृतिक तत्वों की संख्या जो है वो 92 है। 13 नंबर है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान से थोड़ा अधिक ताप पर द्रव की अवस्था ग्रहण कर लेता है ए गैलियम, बी पारा, सी ब्रोमीन, डी सभी। इसका सही उत्तर है ए गैलियम जो है वो तापमान से थोड़ा अधिक ताप होने पर द्रव की अवस्था ग्रहण कर लेता है। 14 नंबर है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है ए O2, बी SI, सी AL, डी FE। इसका सही उत्तर है ए O2 यानी ऑक्सीजन जो है भूपटल में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व है यानी भूपटल क्रस्ट में। प्रश्न संख्या 15 है, भूपटल में कौन सा धातु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ए AL, बी FE, सी CA, डी NA। इसका सही उत्तर है ए AL यानी अल्मोनियम जो है वो भूपटल में क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु है। 16 नंबर है, बारूद उदाहरण है ए समांगी मिश्रण का, बी समांगी मिश्रण का, सी यौगिक का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, बारूद जो है वो बी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 17 है, सल्फर एवं फास्फोरस घुलनशील है ए इथाइल अल्कोहल में, बी कार्बन डाइऑक्साइड में, सी तारपीन का तेल में, डी एसीटोन में। इसका सही उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड में जो है सल्फर और फास्फोरस घुलनशील होता है। 18 नंबर है, शर्करा और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए विलायक के रूप में लिया जाता है ए एसीटोन, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी इथाइल अल्कोहल, डी तारपीन का तेल। इसका सही उत्तर है सी इथाइल अल्कोहल को विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है शर्करा और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए, यानी कि अगर किसी चीज़ में जल में शर्करा और नमक दोनों को मिला दें और फिर शर्करा और नमक को अलग करना है तो इथाइल अल्कोहल के विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है। यानी इथाइल अल्कोहल में शर्करा और नमक को मिश्रण करेंगे तब शर्करा को अलग और नमक को अलग कर सकते हैं। 19 नंबर है, वैसे मिश्रण जिनके अवयवकों के क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है अलग किया जाता है आसवन द्वारा, बी प्रभाजी आसवन द्वारा, सी भाप आसवन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा वैसे मिश्रण के अवयवों को क्वथनांक में से अंतर किया जाता है जिसका क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे पेट्रोलियम जिसको कच्चा तेल या खनिज तेल कहते हैं उसमें से जब अलग अलग किया जाता है पेट्रोलियम को, पेट्रोल को, डीजल को, किरासन को, तो इसी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। 20 नंबर है, कार्बोजेन का उपयोग होता है एक कवक नाशी के रूप में, बी सफ़ेद पेंट के रूप में, सी ईंधन के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी कार्बोजेन का इस्तेमाल इनमें से किसी भी रूप में नहीं होता है। 21 नंबर है, किसी तत्व का यौगिक जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है कहलाता है ए अणु, बी परमाणु, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर है ए अणु जो है किसी तत्व का सूक्ष्मतम स्वतंत्र अस्तित्व है। प्रश्न संख्या 22 है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है ए 6.023 × 10³, बी 6.023 × 10²25, सी 6.022 × 10²23, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 6.022 × 10²23, ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। 23 है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया ए लेवासिए ने, बी डाल्टन ने, सी प्राउस्ट ने, डी गैलुसाक ने। इसका सही उत्तर है ए लेवासिए ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया। 24 नंबर है, निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है ए कैल्शियम, बी लोहा, सी बेरियम, डी जस्ता। इसका सही उत्तर है सी, इनमें सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो बेरियम है। 25 नंबर है, किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है यह किसने कहा था ए डाल्टन ने, बी ब्राउट ने, सी एवोगाड्रो ने, डी लेवासिए ने। इसका सही उत्तर है बी जो है प्राउट ने यह कहा कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमें सदैव समान रहता है। 26 नंबर है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है इसे सबसे पहले किसने कहा ए प्राउस्ट ने, बी डाल्टन ने, सी कनाद ने, डी आर्यभट्ट ने। इसका सही उत्तर है सी महर्षि कनाद जो भारत के थे
इन्होंने ही सबसे पहले ये कहा कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ का जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया और वैशेषिक ने अति महर्षि कनाद ने जो सिद्धांत दिया है उसको प्राचीन भारत में का षट दर्शन कहते हैं। उसी में एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के ही जनक हैं महर्षि कनाद, जिसमें परमाणुवाद का सिद्धांत है। 27 है मिलान करना है। सूची एक में पदार्थ है ए हीरा, बी संगमरमर, सी बालू, डी माणिक्य, इधर तत्व से उसको मिला देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मिसप्रिंट हो गया। हीरा जो है ये आपका कार्बन का है, संगमरमर जो है वो कैल्शियम है, बालू रेत जो है वो आपका सिलिकॉन है, 4-1। उसके बाद जो है बालू हो जाएगा, सिलिकॉन 2 हो जाएगा, और उसके बाद बच गया माणिक्य, तो माणिक बच गया तो हो गया एल्युमिनियम 3। ट्वेंटी एट नंबर है किसी यौगिक के गुण उसके अभी के सौदृश्य होते हैं। प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ए पूर्णतः सौदृश्य, बी अंशतः सौदृश्य, सी पूर्णतः भिन्न, डी अंशतः भिन्न। इसका सही उत्तर है सी पूर्णतः भिन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 29 है निम्न में कौन एक यौगिक है। ए पारा, बी अमोनिया, सी वायु, डी ओजोन। इसका सही उत्तर है बी अमोनिया, इसमें से जो है वो यौगिक है। प्रश्न संख्या 30 है निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक पाई जाती है। ए ग्रेफाइट, बी आयोडीन, सी ए एवं बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आयोडीन जो है एक अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। ऐसे अधातु में चमक नहीं होता है, आयोडीन इसका अपवाद है। प्रश्न संख्या 31 है रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ये रासायनिक अभिक्रिया सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती है। दो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अधिक अस्थायी निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तीन रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त प्रतिफल के गुण अभिकारकों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। डी रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारकों की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक हो। कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसका सभी उत्तर सही है यानी डी। 32 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। ए स्ट्रॉन्शियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी जस्ता। इसका सही उत्तर है ए, इसमें स्ट्रॉन्शियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। 33 है किसने प्रस्तावित किया कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ए डाल्टन, बी गाय लुसाक, सी एवोगाड्रो, डी रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर है सी एवोगाड्रो ने ही यह बताया कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 34 है मोल शब्द किसने प्रस्तावित किया। ए एवोगाड्रो, बी ओस्टवाल्ड, सी प्राउस्ट, डी डाल्टन। इसका सही उत्तर है बी जो है मूल शब्द जो है ओस्टवाल्ड ने प्रस्तावित किया। प्रश्न संख्या 35 है बंधनों का टूटना कैसी अभिक्रिया है। ए उष्मा शोषी, बी उष्मा छेपी, सी ना उष्मा शोषी ना उष्मा छेपी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए बंधनों का टूटना जो है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। 36 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा एक तत्व है। ए माणिक, बी नीलम, सी पन्ना, डी हीरा। इसका सही उत्तर है डी हीरा जो है वह एक तत्व है। 37 नंबर है वायु निम्नलिखित में से क्या है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी वायु जो है वो विभिन्न गैसों धूल कणों और जलवाष्पों का मिश्रण है। 38 नंबर प्रश्न है निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। इसका सही उत्तर है सी अमोनिया जो है इसमें रासायनिक यौगिक है।
39 नंबर है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, ए दूध, बी इस्पात, सी कार्बन मोनोक्साइड, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है बी इस्पात, यानी स्टील जो है इसमें मिश्रण है, क्योंकि इस्पात जो है वो लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल, ये चार चीज़ को अगर मिलाएंगे तो ये स्टेनलेस स्टील बनेगा, और लोहा, निकेल और कार्बन मिलाएंगे तो ये स्टील यानी इस्पात बनेगा। और अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, शुद्ध तत्व कौन सा है, ए कांच, बी सीमेंट, सी सोडियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, इनमें सोडियम जो है वो शुद्ध तत्व का उदाहरण है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।